गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कल बोल दिया था कि हम पटवारी का बैच लॉन्च कर रहे हैं और आज से इसका शुभारंभ करते हैं। आज पटवारी का पहला टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। साथियों, आज हम दूसरी बात ये भी है कि अगर और किसी की कोई तैयारी कर रहा तो वो निराश ना हो। ये नहीं है कि मैं केवल पटवारी की तैयारी करवाऊँगा। जब मैंने यहाँ पहला चैप्टर का नाम लिखा है तो आप गौर करना, पहला बिंदु मैंने यहाँ लिखा औसत। औसत को ही आप लोग माध्य के नाम से भी जानते हैं या फिर आप इसको समांतर माध्य भी बोल सकते हो। हिंदी में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में केवल इसका एक ही नाम है, एवरेज। आइए साथियों, जब मैंने यहां औसत लिख दिया तो ये चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, देखना कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। और मैं आपको ये समझ कर पढ़ा रहा हूं कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, औसत में आपको जीरो लेवल है, ये समझ के पढ़ाऊंगा। आइए साथियों, कैसे जीरो टू हीरो लेवल तक हम लोग पहुंचते हैं, इन सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन एक एक छोटा से छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। पहली इस वीडियो में हम एवरेज से रिलेटेड कुछ सामान्य बातों के बारे में अध्ययन करेंगे और छोटे छोटे से क्वेश्चनों से आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने यहां लिखा औसत माध्य या समांतर माध्य, और इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, एवरेज। तो माध्य का मतलब शब्द से स्पष्ट हो रहा है, माध्य का मतलब होता है मध्य में, जो मध्य में स्थित होता है वही एवरेज कहलाता है। कैसे मध्य में, जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल लिखा आपसे, मैंने ये लिखा 5, 6, 7, तो आप लोग क्या बोलोगे, मुझे इसका एवरेज बताना है। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, मध्य। मध्य का मतलब मध्य में, जो बीच में स्थित है वही तो है मध्य। आप लोग क्या बोलोगे, एक इधर से काटा मैंने, एक इधर से, और ये बीच में जो बचा बस यही आपका मध्य है, यही आपका औसत है, यही आपका समांतर माध्य, और इसी को ही आप लोग एवरेज बोलते हो। एक इधर से एक उधर से काटते जाएंगे, जो बीच में शेष बचेगा वही एवरेज होगा। सेकंड उदाहरण मैंने आपके सामने यहां लिखा, अगला क्वेश्चन, तो मैंने लिख दिया 10, 12, 14, 16 और 18। आप सभी विद्यार्थी मुझे बताएंगे किसका एवरेज क्या वो होगा, तो आप लोग बोलोगे एक इधर से एक उधर से, एक इधर से एक उधर से, और आप सभी को मालूम है कि यहां बीच में क्या बच गया, 14। तो इस सवाल का आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का जो एवरेज होगा वो होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने, फिर अगला क्वेश्चन मैंने तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहां रख दिया। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 100, 200, 300। आप बोलोगे अगल बगल में ट्रैक्टर, बीच में कलेक्टर, नहीं एवरेज, बीच में स्थित कौन होता है, एवरेज, औसत, मध्य, ये आपका आंसर हो गया। साथियों, फिर मैं अगले क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मैंने ये लिख दिया, और फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा बताइए इसका एवरेज क्या होगा, तो आपके पास जवाब आएगा एक इधर से एक उधर से, एक इधर से एक उधर से, एक इधर से एक उधर से, सर यहां तो कुछ भी नहीं बचा। कोई बात नहीं, नहीं बचा तो लास्ट में जो दोनों बच्चे हैं इन दोनों को जोड़ के आपको 2 का भाग लगाना है। ये हो गया 15 + 20/2, 15 और 20 कितना हो गया, 35, 35/2, ये आपके पास आ गया 17.5 आंसर। साथियों, केवल मैं आपको भूमिका अदा कर रहा हूं, एवरेज है क्या इस बात को सिखा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में कभी नहीं आए ना कभी आएंगे, इतने सिंपल क्वेश्चन कहां से बन जाएंगे, ये कोई तीसरी चौथी क्लास का पेपर तो है नहीं, है कंपटीशन है, लेकिन उस पांचवी मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको बेसमेंट आपका मजबूत करना है, बेसमेंट मजबूत। पांचवी मंजिल पर आप पहुंच गए, बेसमेंट आपका कमजोर है, तो साथियों किसी भी समय पर खतरा हो सकता है बिल्डिंग को। आइए तो हम लोग शुरू से ही मजबूत स्थिति करके चलते हैं, और मैंने आपको इन चारों उदाहरणों के माध्यम से यह बताया कि एवरेज निकालने का जो तरीका, वो एक इधर से एक उधर से, इधर से उधर से, लास्ट में जो बच जाए वो आपका आंसर, और लास्ट में कुछ नहीं बचे तो 2 बचे हैं उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। मैं इसी के माध्यम से एक और तरीका आपको बता रहा हूं, इन चारों उदाहरणों को एक और तरीके से माध्यम से समझाना चाहता हूं, इस जगह पर देखना इन चारों सवालों को। आप में से कौन बताएगा, ये एक एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्या करना है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट बट्टा 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है आपको, ये आपका आंसर आएगा।
सात पांच बारह, बारह में दो का भाग लगाया छह, फर्स्ट दस लास्ट क्या है अट्ठारह बटा दो अट्ठारह और दस अट्ठाईस, अट्ठाईस में दो का भाग लगाया तो ये चौदह आपका आंसर। मैंने क्या बताया आपको, सेकंड जो तरीका बताया वो क्या बताया साथियों, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो, ये पहला पद क्या है सौ, लास्ट का पद क्या है तीन सौ, इसमें लगाया दो का भाग तो चार सौ, चार सौ में दो का भाग लगाया तो दो सौ आपका आंसर। फर्स्ट पद क्या है पांच, लास्ट का पद क्या है तीस, तीस और पांच पैंतीस, पैंतीस में दो का भाग लगाया साढ़े सत्रह। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग फाइनली क्या बोलोगे, फर्स्ट एंड लास्ट बटा दो। मैं साथियों आप लोगों को ये चार क्वेश्चन करवाने के बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कौन बताएगा मुझे इस क्वेश्चन का मैं जवाब चाहूंगा, और बस यहीं से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे, इस क्वेश्चन से ही पढ़ना स्टार्ट समझोगे। अब तक तो केवल मैं आपकी मनोस्थिति का आंकलन कर रहा था कि आपका लेवल कितना है। जब प्रातःकालीन में मॉर्निंग में घूमने जा रहा था तो एक उदाहरण से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं साथियों, मैं प्रातःकाल मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था तो एक 60-65 साल के एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे रोका और बोला बेटा मैं यहां से स्टेशन कितनी देर में पहुंच सकता हूं। मैंने कहा दादाजी इस लॉकडाउन में स्टेशन क्यों जा रहे हो, बोला इससे तुझे क्या काम है, उन्होंने मुझसे कहा इससे क्या काम है, आप तो मुझे केवल ये बताइए मैं यहां से स्टेशन कितनी देर में पहुंच सकता हूं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा उसने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा बेटा मैं यहां से स्टेशन कितनी देर में पहुंच सकता हूं, मैंने दोबारा उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लास्ट बार उनको गुस्सा आया, दादाजी को गुस्सा आया और बोले बता तो बता नहीं तो मैं तो जा रहा हूं, इतना क्यों ठना रहा है, और वो चल दिया। लास्ट बार कहकर चल दिया, मुश्किल से 10 कदम आगे चले होंगे। मैंने दादाजी को आवाज दी, मैं दादाजी सुनो मेरी बात, दादाजी बोले इतनी देर से क्यों नहीं बोला, अब मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सुनूं, मैं जब तुझसे तीन चार बार पूछ चुका हूं और आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों सुनूं। मैं दादाजी एक मिनट सुन तो सुन लो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप यहां से मुश्किल से 5 मिनट लगाओगे स्टेशन पहुंचने में। तो बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तुझे, लेकिन एक बात बता तूने इतनी देर से क्यों नहीं बताया, और अब मैं जब जाने लगा तो आपने मुझे रोककर फिर बताया, इसके पीछे क्या कारण है। मैंने कहा दादाजी मुझे यह नहीं मालूम था कि आपकी चाल क्या है, आप कितने तेज चलते हो, जब मुझे मालूम चला कि आप तो बहुत जवान लड़कों को भी फेल कर रहे हैं, आप तो जवान लड़कों को भी फेल कर रहे हैं, आपकी स्पीड क्या शानदार है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगी आपको। तो दोस्तों ये बस यही बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, मैं पहले आपकी चाल देखना चाह रहा हूं, आपकी चाल कैसी है, आप बात को कितने जल्दी ढंग से पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं ये समझेंगे कि एवरेज की शुरुआत अब कर रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन के साथ एवरेज को आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं एवरेज पढ़ाने के मूड में हूंगा, अभी तक तो केवल एक डेमो सेट कर रहा था मैं, देखना साथियों कौन बताएगा। समझ गए, मैंने पहली स्टेप क्या बताई, एक इधर से एक उधर से, एक इधर से एक उधर से, दोनों को जोड़ के दो का भाग मुझे लगाना है। अब साथियों आपको करना क्या है, सेकंड तरीका मैंने क्या बताया, फर्स्ट एंड लास्ट बटा दो, दो तरीके मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। मैं केवल चाल देखने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ये और कोई कारण नहीं है, मैं आपकी चाल देखना चाहता हूं। दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी और मैंने ये लिख दिया सौ, इसका एवरेज मुझे बताना है मेरे प्यारे साथियों, और प्लीज ये कमेंट्स करके जल्दी बताएं मुझे कितना इसका आंसर आएगा, जल्दी बताएंगे। उसके जस्ट बाद में हम औसत पढ़ेंगे, पहले आप एक बार इसका कमेंट्स करके बताएंगे कितना इसका आंसर आएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और अब मैं इसका आंसर बता देता हूं। कुछ विद्यार्थी तो इसका आंसर क्या बोल रहे हैं कि जिन्होंने ये देखा कि एक इधर से एक उधर से, 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 वो विद्यार्थी इसका आंसर दे रहे हैं 50।
जो कि गलत आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलत आंसर है। बस यही चीज सिखाने के लिए मैं आया हूं, और अब इसके बाद में आप लोग एवरेज पढ़ने के मोड में अब हो जाओगे। आप सेकंड तरीका से जो माध्यम से आप लोग बताओगे वो क्या बताओगे, कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर हमने इधर उधर नहीं किया, हमने तो फर्स्ट एंड लास्ट किया है। तो ये 10 प्लस 100 110 110 में 2 का भाग लगाया 55। साथियों ये भी आपका आंसर गलत है। अब काफी विद्यार्थियों को गुस्सा आएगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को गुस्सा कभी नहीं करना है, आप लोगों को कंट्रोल योर माइंड एंड कंट्रोल योर लैंग्वेज। मैंने क्या कहा, ये भी आपका आंसर गलत है, ये भी आपका आंसर गलत है। आप कहोगे कि सर आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ही तो हमने क्वेश्चन किया है। दोनों तरीके आप खुद बदल कर ये बताकर बात को बदल रहे हैं, तो ऐसे कैसे पार पड़ेगी। आपने दोनों तरीके बताए, हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन हल किया और दोनों क्वेश्चनों का आंसर लिखा, और दोनों में आप लोग यूं कह रहे हो कि सर गलत है, ऐसा क्यों, क्या कारण है। तो साथियों अब मैं औसत पढ़ाने के मूड में अब आया हूं, पहले मैं इसका राइट आंसर दे देता हूं, उसके बाद में ही अब औसत पढ़ेंगे हम लोग। पहली बात तो ये साथियों, इन चारों कंडीशनों में देखो आप सब में डिफरेंस सेम है, इसमें अंतर एक एक का, सभी पदों में देखेंगे इसमें अंतर दो दो का है, इसमें अंतर सौ सौ का है, इसमें अंतर पांच पांच का है। मेरे प्यारे साथियों कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इन सभी पदों में अंतर समान है, इसमें भी अंतर समान था, यहां तक ये यहां तक 70 के बाद में ये 10 10 का अंतर चल रहा था, लेकिन इस जगह पर आकर अंतर 20 का हो गया। जब अंतर सेम हो तो सवाल को आप तीन तरीके से कर सकते हैं, और जब अंतर सेम नहीं हो तो सवाल को हल करने का केवल एक तरीका है, वो कौन सा तरीका है सुनिएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब अंतर समान हो तो सवाल को करने के तीन तरीके, कैसे, एक इधर से एक उधर से बीच का आपका आंसर, सेकंड तरीका फर्स्ट एंड लास्ट बट्टा दो, और तीसरा तरीका जो है वो यह है क्या, औसत का सूत्र आप लोग लगा दीजिएगा, छठी क्लास में आपने सीखा होगा, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, दिए गए पदों का योग और दिए गए पदों की संख्या, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो किसी भी सवाल में, ये हमेशा ऑथेंटिक सूत्र है, ये चाहे अंतर समान है तो भी लगा सकते हैं, अंतर असमान है तो भी लगा सकते हैं, ये तो ऑथेंटिक सूत्र है। लेकिन दोस्तों इसमें समय ज्यादा लगता है, इसीलिए औसत का कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस बात को भी सबसे ज्यादा याद रखेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा दो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा दो। लेकिन साथियों केवल ट्रिक है ये, जब भी फॉर्मूला यूज होगा ये फॉर्मूला जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो ही ये फॉर्मूला यूज होगा, तभी ये सूत्र को आप लोग उपयोग में लोगे। मैंने दो सूत्र बताए आपको औसत के, अब आप लोग बताएंगे, आप खुद डिसीजन करोगे, इन सभी पदों में अंतर समान होता तो हम तुरंत जवाब किससे देते, फर्स्ट एंड लास्ट बट्टा दो, लेकिन इन सभी पदों में अंतर समान नहीं है, यहां तक तो अंतर सेम था, मैं कर सकता था इस सेकंड वाले सूत्र से, लेकिन अब अंतर सेम नहीं है तो आपको क्या करना, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, इसी सूत्र से करना है। मेरे प्यारे साथियों यदि एग्जाम में कभी आपसे पूछ ले कि एवरेज का फॉर्मूला, तो आपको यही लिखना है, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि ये ट्रिक है, इसकी केवल एक कंडीशन विशेष है, कब लगेगा, जब अंतर समान हो, और अंतर किन किन में कैसे समान रहता है इनकी बात में चर्चा करूंगा। साथियों समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सबको जोड़ के पहले मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूं, मुझे इसका एवरेज बताना है, तो प्लीज प्यारे विद्यार्थी तो देखना इसका एवरेज क्या होगा, सम ऑफ नंबर और नीचे क्या जाएगा, नंबरों की संख्या, कितने कितने संख्या है उनका भाग लगाना है, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। तो साथियों इन सबको जोड़ना है, जोड़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 20 और 10 30 और 30 60 60 और 40 100 100 और 50 150 150 210 280 280 और ये हो गया आपके 280 380 380 में 80 और जोड़ना है, तो 300 460 460 में कितनी संख्या उसका भाग लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का भाग लगाना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, 9 5 45 बचा 1 9 1 9 51 सही 1/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। साथियों अभी केवल हम लोग औसत पढ़ने के मूड में हुए हैं, अब आप लोग औसत पढ़ोगे फुल मस्ती से हो जाइएगा, पूरी औसत आपको उंगलियों पर याद कराने आ रहा हूं। साथियों प्लीज एक बार आप लोग इसको समझ गए हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं सेकंड
स्टेप आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब आप औसत पढ़ने के मूड में हुए हो। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सेव कर ले इसको। तो साथियों अब हम एवरेज पढ़ने के मूड में आए। प्लीज सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना ऐसे उमड़े उमनसु मत नहीं पढ़ना है। आप सबको बिल्कुल खुल के दिमाग के, और अब देखना आप मस्ती में हो जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको एवरेज में। देखना अभी मैं आपके साथ एवरेज जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और अब हम एवरेज पढ़ने के मूड में आए। देखना साथियों कैसे, इधर देखना। प्यारे साथियों आप लोग अभी दो बात सीखो। एक बात तो कौन सी सीखो, औसत का ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। जितने पद्य रखे उन सबको जोड़ के जितनी संख्या उन सबका क्या लगाना, मुझे भाग लगाना है। एक सूत्र तो आपको ये याद करना है, ये एवरेज का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। अच्छा इस सूत्र की कोई कंडीशन नहीं है, ये आप कभी भी यूज कर सकते हो, चाहे अंतर समान हो तो भी और अंतर समान नहीं है तो भी इस सूत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड जो सूत्र मैंने आपको बताया, आप लोग मैं दोबारा आपके खाते लिख रहा हूं, वो क्या बताया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो। लेकिन ये सूत्र जब ही काम करेगा जब अंतर समान हो। जब अंतर समान हो। अब आप लोग प्लीज ये समझिएगा, मैंने आपको बोला कि ये सूत्र तो जब काम करेगा जब अंतर समान है तब, ये सूत्र अंतर समान है तो भी, इसको भी मैं ये ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग फोकस करना इस बात पे भी। और ये मैंने यहां पे लिख दिया, ये तभी कंडीशन लागू होगी जब डिफरेंस सेम होगा तब। अब साथियों ये जो सूत्र है ये अंतर समान है तो भी लगा सकते हो ये तो, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आप जब अंतर समान दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाना, क्योंकि आपको समय की बचत करनी है। मेन चीज कोचिंग क्यों की जाती है, टाइम मैनेजमेंट के लिए की जाती है। आप लोग सीख तो जाओगे, इसी से भी सीख जाओगे, हर क्वेश्चन का जवाब आप इससे तय कर लोगे, लेकिन समय की जब बचत करनी है तो आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे। और कंपटीशन के जितने भी सवाल है मैक्सिमम सवाल आपको इसी तरीके से हल करना है। अब बात आ रही है, मैंने यहां पे लिखा जब अंतर समान हो, जब डिफरेंस सेम हो, तो ऐसी कोई संख्या है कि जिनमें अंतर समान रहता है? बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा साथियों कैसे किन किन संख्याओं में अंतर समान रहता है। तो मैं यहां स्टार डाल के एक लाइन लिखना चाहता हूं नोट के रूप में कि निम्नलिखित संख्याओं में, निम्नलिखित संख्याओं में अंतर सदैव समान रहता है। निम्नलिखित संख्याओं में अंतर सदैव समान रहता है, वो कौन कौन सी संख्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। और जिसने मेरी नंबर सिस्टम की पहली वीडियो देखी है उस सभी लड़कों और लड़कियों को मालूम है कि किन किन संख्याओं में अंतर समान होता है। देखना साथियों, नंबर एक क्रमागत सम, नंबर सेकंड क्रमागत विषम, नंबर तीन क्रमागत प्राकृत, नंबर चार क्रमागत पूर्ण, नंबर पांच गुणज अपवर्त एवं पहाड़े। साथियों एक एक को हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। मैंने क्या बात बताई आपको कि निम्नलिखित संख्याओं में अंतर सदैव समान रहता है, वो संख्याएं कौन कौन सी है? नंबर एक है क्रमागत सम। क्रमागत सम संख्या कहां से चालू होती है? दो से, दो चार छह आठ, आप लोग खुद तय कीजिएगा कि क्या इनमें अंतर समान है। बिल्कुल अंतर समान है साथियों, दो दो का अंतर होता है, देख लीजिएगा सम संख्याओं में। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा
आपको केवल इतना सा याद करना है कि सम संख्याओं में अंतर सेम होता है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? दो। क्रमागत विषम संख्या 1, 3, 5, 7 आप देखेंगे इनमें भी अंतर सेम दिख रहा होगा आपको, दो दो का अंतर आ रहा होगा, और इन संख्याओं में भी अंतर समान होता है। क्रमागत प्राकर संख्या, प्राकर नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। इनमें भी अंतर सेम होता है, डिफरेंस एक एक का नजर आ रहा होगा आपको। इसके बाद में क्रमागत पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। और ये देख लीजिएगा साथियों, इनमें भी अंतर क्या होता है? समान होता है। ये भी अनंत तक होती है। किसी भी संख्या का गुणज आपको लिखना है, या अपवर्त बोल दो, गुणज बोल दो, या पहाड़े बोल दो, बात एक ही है। जैसे मैंने बोला 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। जिस भी संख्या का गुणज लिखोगे आप, उतने का ही डिफरेंस आता जाएगा। मैंने यहां 3 का गुणज लिखा है तो सभी संख्याओं में 3-3 का अंतर देख लीजिएगा। 5 का गुणज लिखता तो सभी संख्याओं में 5-5 का अंतर आता। इस क्रमागत की जगह पर एग्जाम में आपको क्या क्या नाम मिल सकता है ये भी बात मैं आपको बता रहा हूं। क्रमागत की जगह पर नाम आ सकता क्रमशः है, बात वही है। क्रमशः बोलो, क्रमागत बोलो, लगातार, निरंतर, सतत, या फिर उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब भी यही होता है साथियों। यदि कहीं सवाल आपसे ये पूछा जाए कि दो उत्तरोत्तर संख्या है, तो उत्तरोत्तर का मतलब भी यही होता है, लगातार, दो लगातार संख्या है। क्रमशः बोलो, लगातार बोलो, निरंतर बोलो, सतत बोलो, या उत्तरोत्तर बोलो, या क्रमागत बोलो, बात एक ही है। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम, क्रमागत प्राकृत, क्रमागत पूर्ण, गुणज, अभ्यर्थ अथवा पहाड़े, इन सभी संख्याओं में डिफरेंस सेम होता है। और जब अंतर समान होता है तो मैंने आपको क्या बताया, सूत्र हमेशा यही लगाना है। इसके जस्ट बाद में स्टार डाल के मैं एक लाइन लिखा हूं, इस स्टार वाली लाइन को बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को सुनना है, और इसी से रिलेटेड फिर मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। इस स्टार वाली लाइन पर थोड़ा गौर करना साथियों, क्या है स्टार वाली लाइन देखना। प्यारे साथियों, मैंने ये नोट क्या लिखा है, इस बात पर गौर करना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको हल करवाता हूं कि जिन संख्याओं में अंतर समान होता है, मैंने आपको बता दिया किन किन संख्याओं में अंतर समान होता है, ये 5 संख्या आपके सामने लिखी हुई है, तो बस इसी को तो मैंने नीचे लिखा, जिन संख्याओं में, कौन सी संख्याओं में, इन संख्याओं में, जिन संख्याओं में अंतर समान होता है उनका औसत संख्याओं के ठीक मध्य में स्थित होता है, बिल्कुल बीच सेंटर में जो होता है वही संख्या एवरेज कहलाएगी। ये लाइन आपको याद हो गई हो तो प्लीज मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आना चाहता हूं। एक मिनट मैं समय देना चाहता हूं आप लोगों को, जो आपने पढ़ा है इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, लेकिन क्या पढ़ा है इसको रिवाइज कर रहा हूं मैं। औसत के मैंने दो फॉर्मूले बताए, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, दूसरा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो। ये फॉर्मूला जब लगाएंगे, जब अंतर समान हो तब, मैंने बताया कि निम्नलिखित संख्याओं में अंतर सदैव समान रहता है, क्रमागत सम, क्रमागत विषम, क्रमागत प्राकृत, क्रमागत पूर्ण, गुणज, अभ्यर्थ अथवा पहाड़े, सबके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, और लास्ट में नोट के रूप में ये लिखा हुआ है कि जिन संख्याओं में अंतर समान रहता है उनका औसत संख्याओं के ठीक मध्य में स्थित होता है। ये कैसे स्थित होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बस बने रहेंगे आप लोग, तब तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं कुछ ही समय में आपके सामने लेके आ रहा हूं। थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अब आगे बढ़ता हूं, देखना। तो साथियों, मैंने जो नीचे की लाइन लिखी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको हल करवा रहा हूं।
कि जिन संख्याओं में अंतर समान होता है उनका औसत संख्याओं के ठीक मध्य में स्थित होता है। अब उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना साहब, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझना है और ये सोच के पढ़ा रहा हूं आपको कि बिल्कुल नील बटन नील आप में कुछ भी नहीं आता तो भी अब आपको सब कुछ आने लग जाएगा। देखना मैंने यहां लिखा पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत चालीस है। अब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा तो बताइए सबसे, इससे रिलेटेड कितने भी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। आप सोच नहीं सकते इतने सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। देखना साथियों पहले इसका बेसिक क्या कहता है, फिर मैं जी एक लाइन का जवाब है, एक लाइन में आपको जवाब देना है। चाहे चलो मैं इसमें यही पूछ लिया मैंने सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या मुझे निकालनी है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, या फिर मैं ये भी पूछ सकता हूं सबसे छोटी कौन सी होगी, बड़ी और छोटी का अंतर क्या होगा, योग क्या होगा, गुणा क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, सारी चीजें आप लोग सीख जाएंगे। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखना साथियों, पांच क्रमागत सम संख्या, मैंने पहली सम संख्या क्या मानी एक्स, आप ये जानते हो कि पांच सम संख्या है तो अगली सम संख्या क्या आएगी एक्स प्लस दो। आप कहोगे सर मैंने क्यों दो क्यों जोड़ा, तो साथियों लॉजिक है इसका कि सम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है, दो के बाद में चार आती है, चार के बाद में छह आती है, छह के बाद में आठ, तो अगली संख्या निकालने के लिए दो दो जोड़ते जाते हैं। इसके बाद में सम संख्या कौन सी आएगी एक्स प्लस चार, इसके बाद में एक्स प्लस छह, और इसके बाद में आप लोग पांचवी संख्या, पांच ही तो है सम संख्या, एक्स प्लस आठ, और इनका एवरेज मुझे कितना दे रखा है चालीस। आप सभी जानते हो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, औसत बराबर योग बटा क्या होता है साथियों संख्या, बेसिक में तो यही बताया मैंने आपको। अब आप में से कौन बताएगा औसत मुझे क्या दे रखा है चालीस, इनको सबको जोड़ना है एक दो तीन चार पांच एक्स प्लस दो और चार छह छह बारह और आठ बीस, राशियों की संख्या कितनी है पांच, ये चालीस पंजे दो सौ बराबर पांच एक्स प्लस बीस, बीस उठ के इधर आएगा तो ये माइनस का एक सौ अस्सी बराबर पांच एक्स, पांच से मैंने इसको कैंसिल आउट, एक्स बराबर पांतीय पंद्रह बच्चे तीन, पांच के तीस, साथियों एक्स का मान आ गया आपके पास छत्तीस। मुझे एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे तो पांचों संख्याएं बतानी है, पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी, और ये मैंने यहां लिखा पांचवी। एक्स मैंने सबसे छोटी संख्या मानी तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई छत्तीस, अगली संख्या क्या होगी अड़तीस, इसके बाद में चालीस, इसके बाद में बयालीस, इसके बाद में चौवालीस। मुझसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा चौवालीस। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ऐसा एग्जाम में कभी किसी को नहीं करना है, ऐसा किसी को भी नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग मेथड कंपटीशन ये में। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपका चाहकर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप इसके चक्कर में तीन क्वेश्चन और खा जाओगे, इतना सारा समय आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। और दोस्तों सेकंडों का खेल होता है एग्जाम में, एक एक सेकंड की आपको बचत करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग हर सवाल को ट्रिक से ही करें, हर सवाल ट्रिक से ही होती है। आप जब भी पेपर में बैठते हो तो 10% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बेसिक से ही हल होते हैं, उनके लिए समय आपको बचाना है। तो वो समय कहां से बचाना साथियों, वो जो सवाल ट्रिक से हल होते हैं उनमें आपको तीव्र गति से आपको आंसर देना है। और ये एक दो सेकंड का सवाल था जिसमें आपने पता नहीं एक्स और वैक्स और पता नहीं क्या क्या मान के मामला गड़बड़ कर दिया। साथियों जब आपको मालूम है कि क्रमागत सम संख्या इनमें अंतर समान है, और मैंने आपको बताया क्या कि जिन संख्याओं में अंतर समान रहता है उनका औसत संख्याओं के ठीक मध्य में स्थित होता है, आपको मालूम है कि इनमें अंतर समान है तो औसत संख्याओं के ठीक मध्य में स्थित होगा, औसत कितना है चालीस। अब साथियों संख्या कितनी है पांच, दो संख्या इससे बड़ी दो संख्या इससे छोटी, दो दो चार और एक ही हो गई पांच। अब आप में से कौन बताएगा चालीस से बड़ी बयालीस, बयालीस से बड़ी चौवालीस, और इससे छोटी यदि पूछता तो अड़तीस फिर छत्तीस। हालांकि मुझसे पूछा नहीं इसलिए मैं निकालूंगा भी नहीं, मुझसे सबसे बड़ी पूछा है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों चौवालीस। बताओ मैंने कुछ माना क्या, कुछ नहीं माना मेरे साथियों, केवल एक लाइन में जवाब आपको देना है।
इस एक लाइन के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया क्या कि जिन संख्याओं में अंतर समान रहता है, और मैंने साथ के साथ आपको यह भी बता दिया कि संख्या कौन कौन सी है जिनमें अंतर समान रहता है, क्रमागत सम, क्रमागत विषम, क्रमागत प्राकृत, क्रमागत पूर्ण, गुणज अभर्त अथवा पहाड़े। इन संख्याओं में अंतर सदैव समान रहता है मेरे प्यारे साथियों, और जिन संख्याओं में अंतर समान रहता है उनका औसत संख्याओं के ठीक मध्य में स्थित होता है। ये जो एवरेज है ये 40 है साथियों, ये संख्याओं के ठीक मध्य में। संख्या कितनी है टोटल? 5, 2 से बड़ी और 2 से छोटी। तो इससे बड़ी क्या आएगी? 44, इससे छोटी 36, सबसे बड़ी 44, सबसे छोटी 36। आइए साथियों, मैं इसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों को जोड़ना चाहता हूं, और केवल अब आगे मैं 2-3 सवाल और लेके आ रहा हूं, उनका केवल एक लाइन में जवाब देना है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आइए साथियों, मैं अगला क्वेश्चन के साथ फिर आपसे बात करता हूं। मैंने सेकंड क्वेश्चन यहां पे लिखा, और केवल एक लाइन में, मतलब 5 सेकंड में जवाब आपको देना है। 7 क्रमागत, 7 संख्याओं का औसत, 95 है तो सबसे बड़ी वह सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है साथियों। ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच मत करो कि क्रमागत विषम आ गई, इसका मतलब एवरेज कहां आएगा? बीच में। बीच में नहीं, बिल्कुल ठीक मध्य में। ये एवरेज आ गया आपके पास 95। संख्या कितनी है? 7, 3 इससे बड़ी, 3 इससे छोटी। इससे बड़ी क्या आएगी? 97, इससे बड़ी 99, और इससे बड़ी 101। इससे 3 छोटी मुझे लिखनी है तो 93, फिर 91, फिर 89। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर मुझे बताना है। सबसे बड़ी संख्या 101, सबसे छोटी संख्या 89, दोनों में अंतर मुझे बताना है। तो आप में से कौन बताएगा साथियों ये 12 का अंतर? कितना इजी सवाल है, एक लाइन का क्वेश्चन है। देख लो, मैंने क्या बोला कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज है 95। सबसे बड़ी पर सबसे छोटी संख्या अंतर पूछ, योग पूछ, गुणा पूछ, इकाई अंक पूछ, जो भी उसकी मन में आ वो पूछ, लेकिन पूछ बता क्या है क्वेश्चन में। ये एवरेज मैंने जब मुझे ये कंफर्म हो गया कि अंतर सेम है, तो अंतर तो बीच में आएगा, औसत तो बीच में आएगा। 3 संख्या इससे बड़ी, 3 इससे बड़ी, 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया? 7। अब आप में से मुझे कौन बताएगा 95 से 3 बटी 97, 99, 101, ये क्या जाएगा? 93, 91, 89। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 101। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 89। दोनों का डिफरेंस मुझे बताना है, तो आप लोग समझ जाएंगे कितना आएगा। अगला सवाल मैंने आपसे यही लिख दिया, लेकिन अच्छा सवाल, क्वेश्चन में थोड़ी सी क्वालिटी डाल देता हूं। देखना, 6 क्रमागत, 7 संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी वे सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। मैंने क्या क्वेश्चन दे दिया? बिल्कुल इजी सवाल है। क्रमागत समा गई साथियों, अंतर सेम है, अंतर से अंतर समान है, अंतर समान है तो औसत का रहेगा बीच में। ये मैंने यहां लिख दिया, औसत कितना है साथियों? 55 है। अब संख्या कितनी है? 6, 3 इससे बड़ी, 3 इससे छोटी। 55 से बड़ी 56, फिर 58, और फिर क्या आएगा? 60। इससे छोटी 54, इससे छोटी 52, इससे छोटी 50। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 60, सबसे छोटी 50, इन दोनों का योग मुझे बताना है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 110। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग समझोगे, आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी, निश्चित आएगी। आपकी जगह पे मैं होता तो मेरे दिमाग में भी ये बात आती। क्या बात आती? कि सर संख्या तो 7 हो गई। मेरे प्यारे साथियों, सम संख्या तो 6 ही है। आप देखो ना, 6 क्रमागत सम संख्या,
ये तो छह सम संख्या ही तो है, ये तो औसत है। आप कहोगे सर इसमें तो औसत को भी संख्या में शामिल किया था, बिल्कुल किया था, क्रमागत विषम संख्या औसत भी विषम दे रखा है तो ये संख्याओं में शामिल होगा। सम की बात कर रखा लेकिन औसत क्या दे रखा है, विषम दे रखा है, 55 विषम संख्या है इसलिए संख्याओं में शामिल नहीं होगा ये एवरेज। और आप लोग थोड़ा गौर करेंगे तो निश्चित रूप से ये पाओगे कि सम संख्या लगातार सम संख्या तो छह ही है, ये तो विषम संख्या है, ये तो एवरेज में शामिल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोगों को इन तीन क्वेश्चनों से मैंने जोड़ने की कोशिश की है, अभी केवल आप एवरेज पढ़ने के मूड में आए हो। अभी मैं धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल आगे बढ़ाऊंगा, देखना साथियों कैसे क्वेश्चन हल करने हैं, बने रहेंगे आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। पहली वीडियो ये आप लोग कोशिश करना दो तीन बार आप लोग साथ के साथ चलते चलेंगे, कल की वीडियो तभी समझ में आएगी जब आपकी आज की वीडियो समझ में आएगी। कोशिश करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा विश्वास है मुझे, पूरी मेहनत, मेरी मेहनत रंग लानी चाहिए, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता हूं। थैंक यू सो मच, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा आप इसका। जी हां साथियों, अगला सवाल बहुत ही प्यारा लेके आना चाहता हूं मैं आपके सामने, देखना। अगला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन बहुत प्यारा है, सवाल पे थोड़ा गौर करना, फिर भी लड़के गलती कर जाते हैं, कैसे गलती करते हैं देखना। तीन के प्रथम पांच गुणजों का औसत कितना होगा। अब प्यारे साथियों ये सवाल एसएससी में 2012 में पूछा था, 10+2 में, तीन के प्रथम पांच गुणजों का औसत क्या होगा, इसके पांच गुणजों का एवरेज मुझे बताना है। अब एक लड़का कैसे सोचेगा तीन के पांच, पहला फर्स्ट पांच गुणज मुझे लिखने हैं, तो तीन एकम तीन, तीन दोनों छः, तीन तीन नौ, तीन चौक 12, तीन पंचो 15, बिल्कुल ऐसे करेगा। उसके दिमाग में पहली बात तो ये आएगी कि सर अंतर समान है, गुणजों में अंतर समान होता है, ये सर ने बताई दिया, तो सबसे पहले बात उसकी आएगी फर्स्ट एंड लास्ट बट्टा दो। सबसे पहली बात 15 और 3 18 में 2 का भाग लगाया, नो आपका आंसर 100% राइट। सेकेंड बात उसके दिमाग में ये भी आ सकती है, तीन एकम तीन दिन छः, तीन तीन नौ, तीन चौक 12, तीन पंजो 15, पाँच गुणज लिख दिए, एक इधर से एक उधर से एक इधर से एक उधर से, ये अंतर समान है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। थर्ड बेसिक, यदि कोई ज़्यादा ही बेसिक बेसिक पे गौर करता है तो इस सवाल को बेसिक से भी हल कर सकता है। कैसे करेगा मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम है कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, इन सबको जोड़ना है तो आप जोड़ लीजिएगा, ये 27 और 9 36 और 6 42 और 3 45, राशियों की संख्या कितनी है 5, ये आपका आंसर 9। मैथमेटिक्स में मेरे प्यारे साथियों तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर सबकी स्थितियों में सेम आएंगे। अब एक आदर्श विद्यार्थी वही होता है जिसको ये मालूम है कि मुझे इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका एग्जाम में यूज करना है। एक श्रेष्ठ बॉलर वह, एक श्रेष्ठ खिलाड़ी वह नहीं माना जाता जो हर बॉल पे ही आगे बढ़ के लपेटा में लेने की सोचता है। एक अच्छा खिलाड़ी वह खिलाड़ी माना जाता है जिसको ये मालूम होती है कि मुझे कौन सी बॉल पैर से खेलनी है, कौन सी बॉल बैट से खेलनी है और कौन सी बॉल मुझे खाली छोड़नी है। जिस खिलाड़ी को ये मालूम चल जाए बस वही खिलाड़ी श्रेष्ठ होता है। ठीक उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों वही विद्यार्थी सफलता हासिल करता है जिसे ये मालूम होता है कि मुझे कौन सा सवाल एग्जाम में छोड़ना है, कौन से सवाल में मुझे तुक्का लगाना है और कौन से सवाल को मुझे ट्रिक से हल करना है या बेसिक से हल करना है। जो विद्यार्थी ये आंकलन करना सीख जाए फिर उसे कोचिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर उसे सेल्फ स्टडी, फिर उसे कोशिश ये करनी है कि मैं कितनी तीव्र गति से समय की बचत कैसे करें। अब आपको ये डिक्लेयर करना है, तरीके आप लोग तीनों जान गए तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। मेरे अकॉर्डिंग आपकी जगह मैं यदि पढ़ रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि सर पहला तरीका बेस्ट है। तो इसमें क्या बुराई है, बुराई नहीं है दादा, कौन बोल रहा है इसमें बुराई है।
बुराई तो किसी में भी नहीं है, लेकिन समय की बचत आपको करनी है तो ये पहला तरीका। फिर आपको इसमें बचत करने का, समय बचत करने की मैं आपको बताता हूं और भी ज्यादा, आपको ये गुणज लिखने की जरूरत नहीं है। एक विद्यार्थी यूं कह सकता है कि सर ये गुणज माना कि ये तो पांच ही गुणज आए, यूं आ जाते 40 गुणजों का औसत क्या होगा। सवाल ये होता है कि तीन के प्रथम 40 गुणजों का औसत क्या होगा, तो मैं 40 गुणज कैसे लिखता। तो साथियों मैं अगला सवाल लिख रहा हूं, अगला सवाल 40 गुणज नहीं 50 गुणज तुम जो कहोगे ना उसका लिखूंगा जवाब। आप लोग पहले एक मिनट सुनना, इसमें भी लड़के और लड़कियां कहां गलती कर जाते हैं ये बात मैं बताना चाहता हूं। मैंने एक लड़की से पूछा, मैं बेटा इसमें आंसर क्या आएगा, तो उसने कहा मुझसे 10। मैंने कहा अपनी बात का तर्क दे सकता है, बोला जी सर। तो उसने क्या तर्क दिया देखना साथी, क्या तर्क दिया उसने। उसने कहा सर मैंने गुणज लिखे हैं। मैं कि ये तो लिखने ही थे। मैंने पूछा उससे किसके लिखे हैं, बोले पांच के, पांच एकम पांच, पांच दून दस, पांतियों पंद्रह। मैं कि औसत क्या आया था, बोला ये आपका 10 आंसर। मेरे प्यारे साथियों ये गलत है, ये गलत है। क्यों है गलत सर, गुणज ही तो लिखने, मैंने पांच के तो लिखे मैंने गुणज, फिर ये गलत क्यों है। इसलिए गलत है मेरे साथियों, आपको किसी से नहीं पूछना है। एग्जाम में आपके सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, आगे वाला लड़के, पीछे वाले लड़के, बगल वाले लड़के को टच करते हैं, भैया आपने क्या किया। आपको मालूम क्या है कि वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कभी ऐसा नहीं करना है। मैं यूं कह रहा हूं कि खुद पे भरोसा रखो आप, किसी भी दुनिया में, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। किसी पे भरोसा मत करो, अपने आप पे भरोसा करो, तब आपको सफलता मिलेगी। दुनिया में यदि कोई इंसान है जो आपको बदल सकता है तो वो आप स्वयं है। मैं चाहकर भी आप लोगों में 1% भी परिवर्तन नहीं ला सकता। मैं आपको बहुत मोटिवेट कर दूंगा, एक दिन आप में जोश आ जाएगा, उमंग आ जाएगा, आप 15 घंटा पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन सेकंड दिन जब तक आप अपने मन में जोश नहीं लाओगे, जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकती है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको सफलता की ओर अग्रसित कर सकता है, वो हो आप स्वयं। जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे साथियों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सवाल समझा सके, आप मोटिवेट हो सके। मैं केवल अच्छाइयों के बारे में बता सकता हूं साथियों, मैं केवल ये कह सकता हूं कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करने से आप सब, लेकिन आपके साथ क्या मजबूरी है, आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, कैसा आपका वातावरण है, ये मुझे मालूम थोड़ी है। मैं तो सामान्य बात को मद्देनजर रखते हुए ये बता सकता हूं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि स्टूडेंट को खुद को फील होता है कि भाई मेरा प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्या मेरी परिस्थिति है, मुझे कैसा वातावरण मिल रहा है, उस माहौल में से मुझे कैसे निकलना है, ये खुद आप तय कर सकते हो मेरे साथी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे पांच के गुणज नहीं लिखने हैं, तो फिर गुणज किसके लिखने हैं, ये आप खुद पूछो, अपने मन से पूछो। देखो मैं पूछ रहा हूं, अभी आवाज आएगी, आप लोग खुद बोलना गुणज लिखने किसके, आवाज आई तीन के, आप मन से अपने आप से पूछो आप किसके, आवाज क्या आएगी तीन के, बताओ। तो तीन के गुणज लिखने तो ये क्यों लिख रहे हो, ये नहीं लिखना है, और ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अच्छा कितने गुणज लिखने, पांच, पांचों गुणज कभी नहीं लिखने, पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। पहला गुणज क्या हो जाएगा, तीन लास्ट का गुणज पांतियों पंद्रह बट्टा दो, पंद्रह तीन अट्ठारह, अट्ठारह में दो का भाग लगाया, नौ आपका आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर पांच, साथियों जवाब सबको देना है। सात के प्रथम 107 गुणजों का औसत कितना होगा, सेकंडों में जवाब आना चाहिए। और कोई भी विद्यार्थी 107 गुणज नहीं लिखेगा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लीज लगना चाहिए कि यार आप जिंदा हो और मैं जिंदू, लगना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल फटाफट आंसर बोल, फटाफट आंसर, मजा आ जाना चाहिए। एक एक सेकंड का सवाल है, मैं चेक कर रहा हूं दखानी कौन विद्यार्थी जवाब देता है। अजय फटाफट आंसर दे, थैंक यू बहुत अच्छा लगा मुझे। और बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर क्या है, सवाल में पहला गुणज सात, गुणज अंतर समान है, फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट में क्या आएगा ये 749। ये 749 कैसे आया साथियों, सात एकम सात, सूती 49, सात एकम सात बट्टा दो, ये हो गया आपका 5756 बट्टा दो, ये दो तीन छह, दो संतो 14, दो अंटो 16, 378 आपका आंसर।
उम्मीद करता हूं बिल्कुल ये छोटे छोटे सवालों से मैं आपको एवरेज जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज साथियों आप लोग बने रहेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 6, आप सब जवाब देंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 5 के प्रथम 201 गुणजों का औसत क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है, लिखना है, लिखना है। नहीं लिखा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर ऐसा लगेगा कि यार आप लोग, आपकी स्पीड बहुत कम है। प्लीज मैं इंतजार कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का आंसर का, इस क्वेश्चन के आंसर का। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे लैंग्वेज को भी। और मैं कोई ऑलैंड पोलैंड की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं कोई चाइना की बात थोड़ी कर रहा हूं। अपन भारतीय हैं और हमारी संस्कृति भी इसी बात को परिचय है कि हमारा ये रंगीला राजस्थान, और उसमें हम रंगीन मिजाज से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब समझ पा रहे होंगे। फुल मस्ती से पढ़ना है साथियों, आगे बढ़ना है। देखना न केवल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं अपितु एवरेज, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी निश्चित रूप से लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों में काम आएगा। चाहे आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, एवरेज मतलब समस्याएं खत्म आपकी, कोई सी भी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जिस जिस में एवरेज आता है प्रॉब्लम सॉल्व आपकी। देखना साथियों आगे बढ़ता हूं मैं, आगे पहला क्वेश्चन नहीं, मैं आपको 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 4 क्वेश्चनों के जवाब आपको एक साथ बता रहा हूं। और देखने में आपको यह लगेगा कि यार क्या दिन में ही हमको सर मूर्ख बना रहे हैं, दिन में तारा कैसे देखते हैं। देखना 5-4 सवाल बिल्कुल सेम कंडीशन के दिखेंगे आपको, लेकिन एक एक सवाल में रस है, और रस नहीं आम रस, गर्मियों के दिनों में आम रस कैसे आता है ये देखना आप लोग। पहला सवाल, 50 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पचास तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ गए होंगे, मैंने 4 क्वेश्चन इसलिए लिखे बिल्कुल सेम कंडीशन के लिखे हैं, संख्या भी मैंने 50-50 कॉमन ही लिख दी, लेकिन ये सच है कि प्यारे साथियों एक एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है, किसी भी क्वेश्चन में समानता नहीं है। क्या लिखा हुआ है, 50 तक मैंने तक लिख दिया, कौन सी संख्या, सम संख्या, इनका एवरेज मुझे बताना। मुझे मालूम है कि सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, 2, 4, 6, 8 और लास्ट में क्या आएगा, 50। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का मायना यही है, 50 तक कहां से स्टार्ट करनी है, जब तक कोई बात का उल्लेख नहीं है प्रारंभ से स्टार्ट करनी है। आपको मालूम है कि सम संख्या इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। सब में अंतर समान है तो इतना टाइम क्यों लगाते हो, जब अंतर समान है तो फर्स्ट एंड लास्ट बट्टा 2, 25 और 1 26, ये आपका आंसर। 2 और 50 52 में 2 का भाग लगाया, 26 आपका आंसर। मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन तक आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो आने दो ना। विषम संख्या कहां तक की, 50 तक की। आप मान लो मैं आपको कि ऑड नंबर विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से 1, 3, 5, 7 .. लास्ट में क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, 49 आएगा। क्यों आएगा 49, क्योंकि 50 तो सम संख्या है और मुझे कौन सी लेनी है, विषम लेनी है केवल। अब आपको मालूम चल गया कि अंतर समान है तो कीजिए ना, आप लोग कैसे करोगे औसत बराबर, फर्स्ट एंड लास्ट बट्टा 2, 50 50 बट्टा 2 = 25, ये आपका आंसर।
कोई ट्रिक यूज नहीं करनी है, सवाल का ओरिजिनल मेथड समझना है आप लोगों को कि वो कहना क्या चाह रहा है। और इसमें क्या ट्रिक यूज करें, ये खुद ही ट्रिक है। आप लोग ये लिखोगे क्या एग्जाम में, कभी नहीं लिखना है आपको। पहली विषम संख्या एक लास्ट में क्या आएगा 49 और एक 50, 50 में दो का भाग लगाया 25, कैलकुलेशन मन में करनी है। सेकंड का सवाल है कहां इसमें बेसिक, ये भी बेसिक है, ये ट्रिक है, सीखिएगा आप लोग धीरे धीरे। एक दिन में कोई भी मान नहीं बनता, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इज ए परफेक्ट मैन। आदमी अनुभव से, बार बार मैं कहना चाहता हूं साथियों आप लोगों से, कि मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो किस्मत के फाटक खोल देती है। अपने आप को इतना बुलंद कर लो आप कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। और आप कुछ नहीं चाहते हो, केवल सवालों की एक्सरसाइज आपको करनी है, इतने सिंपल। प्रथम, अच्छा इसका मतलब ये नहीं 50 तक, नहीं, शब्दों पर गौर करना, एक शब्द पूरे अर्थ का अनर्थ कर देता है। मैंने यहां पर लिखा, देखो कैसे ये लिखा मैंने, कुंती, एक शब्द पूरे अर्थ का अनर्थ कैसे कर देता है, एक छोटी सी मात्रा पूरे अर्थ का अनर्थ कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने यहां लिखा कुंती, अब मैंने ये बिंदु हटा दिया, बताओ क्या बन गया, देखो आप। तो आप शब्दों का अर्थ लीजिएगा, मजा लीजिएगा, फुल मस्ती में आपको पढ़ना है, मैं गारंटी देता हूं आप कैसे नहीं सीखोगे, देखना मजा आने वाला है। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं 5 मिनट और देखूं वीडियो तब मेरा पढ़ाना सार्थक है। यदि आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप मर रहे हो, ऐसे नहीं, मजा आना चाहिए। पढ़ते वक्त भी आपको लगना चाहिए कि यार ऐसा फिल्मों में होता है ना, मूवी में होता है ऐसा, आप लोगों ने देखा होगा, कोई सीरियल देखा आपने, फिर सीरियल में उस समय पे एडवर्टाइज आते हैं, तब हमारा मन ये करता है कि यार किस समय पे यार, और लाइट भी उस समय पे जाती है मजे वाली चीज पर। तो साथियों वो मजा बना रहना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मैं 5 मिनट और देखूं इस वीडियो को, तब तक ऐसा इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, पढ़ने में मजा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रथम 50 सम संख्या, इसका मतलब ये नहीं है 50 तक, पहलम पहल की 50 सम संख्या, 2, 4, 6। अब मैं कहूं, मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको एक रिजल्ट निकालूंगा, मैंने ये कहा इसको क्या बोलूंगा 8 तक की सम संख्या, और यदि मैं प्रथम के रूप में इसको बात को बोलूं तो क्या बोलूंगा प्रथम 4 सम संख्या। आप एक रिजल्ट पर गौर करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जवानी दे दोगे। देखो एक रिजल्ट निकालना चाहता हूं मैं इस सवाल का, प्रथम 2 सम संख्या 2 और 4, इनका एवरेज क्या आएगा 3, औसत तो बीच में स्थित होता है 2 और 4 के मध्य में। प्रथम 3 सम संख्या 2, 4, 6, औसत बोलोगे कितना आएगा 4। प्रथम 4 सम संख्या 2, 4, 6, 8, एवरेज बोलो कितना आया 5। एक रिजल्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे, क्या समझ में आया, प्रथम 2 सम संख्याओं का औसत 3, प्रथम 3 का औसत 4, प्रथम 4 का औसत 5। एक नोट समझ में आ गया, और वो नोट प्लीज आप कॉपी लेके बैठना, मजा आने वाला आपको। नोट क्या समझ में आया, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होगा वो होगा n+1। किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे लीजिएगा, और मैं पूरे नोट नहीं लिखूंगा, मैं केवल एक इशारों की बात करूंगा, मैं समझाने की बात करूंगा, आप लोग समझ जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने क्या बात बोली, इस बात को समझना। प्रथम n, वाक्य की शुरुआत प्रथम से होनी चाहिए, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 50+1 बराबर आंसर क्या आ जाएगा 51। ये आपका जवाब दीजिएगा, प्रथम 50 विषम संख्या, ऐसे भी इसका भी रिजल्ट निकालेंगे, पहली 2 विषम संख्या 1 और 3, इनका एवरेज मैंने निकाला तो कितना आएगा 2। प्रथम 3 विषम संख्या 1, 3, 5, एवरेज बोलो 3। प्रथम 4 विषम संख्या 1, 3, 5, 7, एवरेज बोलो कितना आएगा 4। कुछ रिजल्ट आपके समझ में आया, निष्कर्ष कुछ समझ में आया आपके, क्या समझ में आया तो लिख दो उस बात को नोट के रूप में, क्या समझ में आया साथियों। प्रथम 2 का औसत 2, प्रथम 3 का औसत 3, प्रथम 4 का औसत 4। तो नोट क्या समझ में आया आपके, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, प्रथम n, प्रथम 2 का औसत 2, प्रथम 3 का औसत 3, प्रथम 4 का औसत 4। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत क्या, मैं तो उदाहरण देके आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। प्रथम n का औसत क्या हो जाएगा n, आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 50। एक एक छोटे छोटे शब्द का अर्थ लीजिएगा आप लोग, चारों सवाल देखने में एक जैसे लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन सवालों को समझाने के बाद में अब भी मेरे पास एक से बढ़कर एक सवाल है, आप देखोगे और ऐसा लगेगा, आप लोग करने की कोशिश करोगे क्लीन बोल्ड, मिडिल स्टम आउट,
कैच आउट नहीं मिडिल स्टम्प आउट करूंगा मैं आपको, देखना कैसे। अगले सवाल लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने, ये चार नहीं छह सवाल लेके आ रहा हूं, और छह नहीं हम दस सवाल ऑनलाइन जवाब हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने आज समझाया, मेरे प्यारे साथियों पूरा सहयोग करना मेरा, एक बार ऊर्जा देके देखो मैं दुगनी ऊर्जा से काम करने वाला इंसान हूं। आपका सहयोग चाहता हूं केवल इतना सा कि जिन जिन विद्यार्थियों को मालूम नहीं है, इस लॉकडाउन में सबको मालूम चल जाना चाहिए कि बीएन सर अब रोज क्लास लेते हैं। क्लास का टाइम सुन लीजिएगा, प्रातः 9 बजे रीजनिंग की क्लास, सायंकाल 6 बजे मैथ की क्लास, देखेंगे रोजाना, कभी नहीं बोलेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आए कमेंट्स में जरूर लिखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, इससे श्रेष्ठ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बी एन राजपूत, अलविदा, धन्यवाद।